राहत ये बताइए कि अभी जो है केएल शर्मा जीते हैं, आखिर इनके जीतने कारण क्या था? क्योंकि स्मृति ईरानी को यहाँ से बहुत अहंकार हो गया। और ये जो स्मृति ईरानी है, खाली गौरीगंज में अपना घर बनाने से कुछ नहीं होता, जमीनी स्तर से सबसे जुड़ना चाहिए, गांव देश में विकास करना चाहिए। उन्होंने खाली अपना देखा और किसी का देखा नहीं, विकास हमारे यहाँ एक भी नहीं हुआ। हाँ, विधानसभा चुनाव में राकेश सिंह और महाराज जी दोनों चुनाव हारेंगे। स्मृति ईरानी यहाँ से क्यों हारी? उन्होंने केवल 5 साल गांधी परिवार की बुराई की है, काम कुछ भी नहीं किया। जनता ने उन्हें गांधी परिवार की बुराई करने के लिए नहीं चुना था, जनता ने काम करने के लिए चुना। नमस्कार, हम मौजूद हैं अमेठी जिला के वारिसगंज में, जहां अभी मतगणना हुई है, उसके बाद लोगों का राय क्या है जानने के लिए हम पहुंचे हैं यहां के लोगों से। आखिर क्यों हार गई स्मृति ईरानी और जीत क्यों गए हैं केएल शर्मा, हम बात करेंगे यहाँ से। क्या नाम है आपका? राहत हुसैन। राहत, ये बताइए कि अभी जो है केएल शर्मा जीते हैं, आखिर इनके जीतने कारण क्या था? क्योंकि स्मृति ईरानी को यहाँ से बहुत अहंकार हो गया। तो सिर्फ उनके अहंकार के चक्कर में आप लोगों ने उनको? विकास भी कुछ हुआ नहीं है, विकास नहीं हुआ यहाँ 5 सालों में। 5 सालों में क्या स्मृति ईरानी के सांसद के बारे में कुछ बता सकते? कुछ मतलब कुछ विकास नहीं हुआ? कुछ भी विकास नहीं हुआ है। सड़क कुछ और उनके नाम पे? कुछ भी नहीं हुआ। तो इससे क्या लगता है क्षेत्र के लोग नाराज थे? बहुत नाराज थे क्षेत्र। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, हम बात करेंगे कि आखिर केएल शर्मा को ही क्यों चुना गया। क्या नाम है आपका? विशाल यादव। विशाल यादव जी, ये बताइए कि केएल शर्मा जीते हैं, उनके जीतने क्या कारण था? उनके जीतने का कारण ये है, जमीनी स्तर से हम लोग से जुड़े हुए थे, वो आए बात किए, हर एक चीज़ अच्छा लगा, उम्मीद है कि वो काम अच्छा करेंगे। और ये जो स्मृति ईरानी है, खाली गौरीगंज में अपना घर बनाने से कुछ नहीं होता, जमीनी स्तर से सबसे जुड़ना चाहिए, गाँव देश में विकास करना चाहिए। उन्होंने खाली अपना देखा और किसी का देखा नहीं, विकास हमारे यहाँ एक भी नहीं हुआ। जैसे कि सपा की बात किया जाए, गठबंधन था और सपा के ही जो विधायक हैं, राकेश रहे हों या फिर महाराज देवी रहे हों, ये भाजपा के समर्थित जो है समर्थन कर रहे थे, उनका जो है प्रचार कर रहे थे, इसके बाद भी जो है कांग्रेस का प्रत्याशी था है, हम जानना चाहेंगे इसके जो है अगले प्रत्याशी। क्या नाम है आपका? सुहेल अहमद। ये बताइए कि जो विधायक थे राकेश रहे हो चाहे हमारे देवी, इनका असर कितना दिखाई दे रहा था? इनका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। आगे जो है अब विधानसभा चुनाव में या अन्य चुनाव में इसका कितना? ये भी चुनाव हारेंगे। हाँ, विधानसभा चुनाव में राकेश सिंह और महाराज जी दोनों चुनाव हारेंगे। यहाँ पे कांग्रेस और सपा की वजह से, सपा की वजह से जीत रहे थे ना, ये कोई व्यक्तिगत तो थोड़ी था इनका कि व्यक्तिगत विशेष में, और कुछ लोग पलटी मार गए, अब दबाव मारे या क्या वजह थी बच्चों को। हमारे साथ अन्य लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और स्मृति, जो आपने कहा कि स्मृति ईरानी यहाँ से क्यों हारी, उन्होंने केवल 5 साल गांधी परिवार की बुराई की है, काम कुछ भी नहीं किया, जनता ने उन्हें गांधी परिवार की बुराई करने के लिए नहीं चुना था, जनता ने काम करने के लिए चुना था। उनके अंदर वो क्षमता नहीं थी कि वो जनता में अपना पैट बना पाती और दोबारा चुनाव जीत पाती। अभी जो है यहाँ पे अगर जो है भले सुल्तान थाने की बात करें तो यहाँ पे MLC दीपक सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, वही जो है करणी सेना के खिलाफ दर्ज हुआ था। क्या इसका क्या असर दिखा था इस क्षेत्र में, आप बता सकते हैं? क्या नाम आपका? मोहम्मद गुफरा। तो इसका क्या असर दिखा था इसका? इसका असर यही है, काम नहीं कराए और फालतू के बहस कर रहे थे, किसी गरीब के घर पे नहीं गए थे, इसीलिए हार का सामना करना पड़ा हमको स्मृति ईरानी को। जैसा कि क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि स्मृति ईरानी ने कोई विकास कार्य नहीं किया, लोगों के सीधा संपर्क में नहीं थी, इसलिए कि स्मृति ईरानी इस बार जो हार गई हैं। वहीं केएल शर्मा से काफ़ी लोगों को उम्मीदें हैं, अब देखना यह है कि आगे चुनाव के बाद केएल शर्मा इनके उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। अमेठी से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए मोहम्मद तौफीक। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।